महीना 7 महीना पे मिला वो जल्दी से नया वाला। 1500 रुपये महीने से 10 महीने का ही पूरा वेतन नहीं मिल रहा है तो हम लोग कैसे खाएंगे जिएंगे। ऐसी सरकार है कि तनख्वाह दे भी नहीं रही, ऐसे ही गुड़िया मोती बना के चलाई ला और कैसे चलाई, सरकार न सुनी तब कैसे हमने जियल जाए। तो हमें तो वही मांगना है कि भाई हमें रिटायर करना है तो रिटायर कर दीजिए, 2 लाख रुपया वो दीजिए, 10,000 रुपया हमें वो दीजिए पेंशन, तो हम हट जाएंगे भाई। 1500 रुपया मिलता महीना में वेतन। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। इस समय देखिए कि ज़्यादा संख्या तो नहीं है लेकिन कुछ ही लोग हैं, लेकिन कुछ ही लोग इसलिए हैं कि जब किसी को तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है तो वही लोग बाहर आते हैं। आज ये कम की संख्या में है, हो सकता है कल हज़ारों की संख्या में हो। सबसे बड़ी बात है कि रसोइयों का सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, ये इनका खुद का मांग है। आपको बता दें कि आपका बेटा बेटी अगर गांव में पढ़ते होंगे तो यही वो लोग हैं जो खाना बनाकर खिलाते थे, लेकिन आज के समय में ये हो गया है कि योगी के सरकार में कि एक एनजीओ द्वारा खाना दिया जा रहा है और इन्हें स्थगित कर दिया गया है या कुछ जो भी चीज़ें हैं हम इनसे ही बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये एक रोज़गार था और इनको 1500 रुपये महीने मिलते हैं, हम इनसे बात करते कि एक चीज़ और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि 1500 रुपये आज के समय में और बढ़ती महंगाई में कुछ भी नहीं है। 1500 रुपये एक आदमी का जो इस समय खर्च है, चाय पानी में खर्च कर दे रहे हैं। यहाँ पे एक कर्मचारी हैं, ये बताइए कि क्या नाम है आपका? जड़ावती। ये बताइए किस स्कूल में काम करती थी आप? मजबूरी बा। किस स्कूल का क्या नाम है आपका, जिस स्कूल में यहाँ पे आप काम करती थी? दनियालपुर। दनियालपुर। ये बताइए कि कितना सैलरी मिलता था आपको? 1500। 1500 रुपये हर महीने मिल जाता था? नहीं। हाँ, 6 महीना 7 महीना पे मिला वो जल्दी से नया वाला। अब एक बार रुकल चार आधा एक दिन आई आधा रुकल रही तब भी छुट्टी भैले पर आई आधातिया करके पूरा इकट्ठा भी नहीं आवत। ये बताइए फिर कैसे खर्च कैसे चलाती हैं आप? ऐसे ही गुड़िया मोती बना के चलाई ला और कैसे चलाई। तो ये बताइए जो आप आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोग धरना दिए हैं, आपको लगता है कि आप लोगों की बातें सुनेगी सरकार? काहे ना सुनी सरकार, हमने कहा इतना गरीबी हमने झेलत है, सरकार ना सुनी तब कैसे हमने जियल जाए। चाची ये बताइए कि क्या नाम है आपका? हौसला जी हमारा नाम है। हाँ, दानियालपुर स्कूल में काम करती हूँ, 1500 रुपये से काम करती हूँ। 1500 रुपया मिलता महीना में वेतन। हाँ, लेकिन 6 महीने से एक पैसा नहीं मिला, हम तो मजबूर हो गए हैं एकदम, क्योंकि हम बहुत गरीब आदमी, हमारे पास आदमी भी नहीं है। अब हाँ, बताइए हम घर के खर्च कैसे चलाएं, गुड़िया मोती से कितना खर्च चलेगा आप ही बताइए। तो हम तो एकदम परेशान हो गए कि भाई हम क्या करें क्या ना करें, मोदी की ऐसी सरकार है कि तनख्वाह दे भी नहीं रही है, अब हम लोग तो भूखे मर रहे हैं, अब क्या करें बताइए। सरकार से यही कह रहे कि हम लोग का वेतन बढ़ाइए वेतन बढ़ाइए, अगले साल बोला कि 500 रुपया बढ़ गया, वो भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। 6 महीने मार्च अप्रैल अगले साल का, और इस महीने से कोई अभी तक पता ही नहीं कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब हम मांग कर रहे हैं, अब पीछे की जो उसमें है उसके छटैया की मांग कर रही है। बताइए हमारी उम्र तो 60 साल हो गई, हमें तो लगे 25-26 साल हो गए उसमें, लेकिन अब हम कैसे हटेंगे? तो अब तो शहर में एनजीओ द्वारा खाना पहुंचाया जा रहा है, तो अब आप लोगों को क्या घर पे रहने के लिए कह दिया गया है या स्कूल पे ही रहते हैं आप लोग? नहीं, अभी तो स्कूल पर रहते हैं। स्कूल पर रहते हैं? हाँ, लेकिन उससे ज़्यादा समय लगते हैं हम लोग, उसे तो हम 3-4 घंटे में आते, अब तो हम लोग बस एकदम 6 घंटे 7 घंटे वहाँ बिताते हैं, 8 बजे जाते हैं 1 बजे हम लोग घर आते हैं, बताइए तो क्या करें। इसमें सरकार कुछ सुन ही नहीं रहे, ऐसी मोदी की सरकार है या योगी की सरकार है, तो हमें तो वही मांगना है कि भाई हमें रिटायर करना है तो रिटायर कर दीजिए, 2 लाख रुपया वो दीजिए, 10,000 रुपया हमें वो दीजिए पेंशन, तो हम हट जाएंगे भाई। हमारे परिवार के तो भी बच्चे पढ़ रहे हैं छोटे छोटे, उसमें हटाएंगे कैसे हमें, तो वही हम करें। क्या कहेंगे बताइए आप लोग, क्या समस्या है? गीता देवी नाम है, हम दानियालपुर विद्यालय में रहते हैं, हम लोग का वेतन इतना है, अकेले हम लोग काम करते हैं, अकेले पैसा सही नहीं आता है, पैसा 1500 आता है तो 2-3 महीने का के बीच में रुक जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग जनवरी में जो कुछ ठंड कहते हैं कि 10 महीने का वेतन मिलेगा, अकेल हम लोग को 10 महीने का पूरा वेतन नहीं मिलता है, तो हम लोग 1500 रुपये महीने से 10 महीने का ही पूरा वेतन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कैसे खाएंगे जिएंगे।
हम लोग को मिलना चाहिए 10 महीने का पूरा। फिर यह साल मतलब हम लोग मई पूरा काम किए, जून 16 जून को काम किए, फिर जून में जुलाई में स्कूल खुल गया। अकेले तब वो भी वेतन नहीं है। स्कूल पे तो आला अधिकारी आते हैं, तो आप लोगों की बात वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचाती? हम लोग की बात सुनते ही नहीं है। कहेगा आएगा ना पैसा, ब्लॉक से लगेगा, आएगा। हाँ माता जी, बस यही कहेंगे कि आएंगे आएंगे, यही कह के चले जाएंगे। एक बार तो यहाँ से गए थे कोई अधिकारी, हम बात अपनी रखे थे तो हमारे हेड मास्टर भी लाल हो गए कि तुम क्यों बात रखी, लेकिन हम कहें प्रधान से पूछ के बात रखे, क्या ठीक है तब चलो कोई बात नहीं है। आएंगे 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 माता जी, अब तक आते रह गए। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को ये जो प्रधान हैं वो लोग डरवाते भी हैं, धमकाते भी हैं क्या? नहीं नहीं, हमारे प्रधान डरवाते नहीं, वो तो खुल के कहते हैं कि जो मांगना है मांगिए अपना। अच्छा आप लोगों का जो जो हेडमास्टर होते हैं प्राइमरी स्कूल का, उनका रवैया क्या रहता है ये जो सैलरी वैलरी को? वो सैलरी के विषय में कहते हैं कि आप लोग तो खाता में आता है तो हम क्या करें, बस इतने ही कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। अभी तो हम कहे सर जी पैसा आप बताइए कब मिलेगा, त्यौहार आ गया मिल नहीं रहा, 2 महीना आगे का बाकी इस साल का, बोले कि अब खाते में आ रहे तो हम क्या कहें, कुछ नहीं कहेंगे, आएंगे तो खाते में आएंगे, नहीं आएंगे अब बताइए हम क्या कहें, किससे कहने जाए। ये भी कहते हैं कि हमारे अधिकारी तुम ही हैं हेडमास्टर, कुछ करिए, बोलते हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तब हम क्या करें बताइए, इसके आगे क्या करेंगे, किससे माफ कहेंगे। अच्छा परिवार में कौन कौन लोग हैं आप? अरे हमारे परिवार में तो 3 बच्चे हमारे हैं और छोटे छोटे पोते हैं हमारे, तो आदमी है ना, एक अभी बुढ़ा हमारा है, उसे के लेके कैसे कैसे झेल रहे हैं। आपके परिवार में कौन कौन है लोग? मेरे परिवार में लड़कन हैं 4 मेरे, अब वो सब 4 लड़का बन, हम भाई एक मार जेठूत हैं, सब पुरानिया बन उन। आपके घर में कौन कौन लोग हैं? हमारे घर में एक लड़के है, एक लड़के, एक लड़का है। तो आपको बता दें कि ये बहुत अमीर लोग नहीं हैं, इनको जो आस होता है वो नहीं मिल पाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज के भी समय में ऐसे लोग, ऐसे पत्रकार जरूर हैं जो इनकी आवाज़ दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पहुंचाने के लिए हमारे जैसे पत्रकारों की आज भी ज़रूरत है। इनके जो आस हैं, इनकी जो उम्मीद है, जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि लगभग 6 महीने से इनकी सैलरी नहीं मिली है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जिस जो काम लोग करते हैं, एक दिन का मजदूरी करते हैं और उनको पैसा नहीं मिलता है तो उनका परिवार कैसे चलता है। लगभग ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से कि दशहरा भी था और दिवाली भी आने वाली है, जब पैसा नहीं मिलेगा तो इनका जो दिवाली है वो दिवाला के तौर पे हो जाएगा, इनकी दिवाली जो मिठास होती थी वो नहीं हो पाएगा, तमाम त्यौहार भी हैं वो सामने है, तो इनके चेहरे पे जो रौनक देखी जा रही वो रौनक नहीं है। और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे जो माँ के दुलारे होते हैं वो यही आस रखते हैं कि हमारी माँ काम कर रही है तो हमें कपड़ा पहनाएगी, हमें मिठाई लाएगी, इत्यादि उनसे उम्मीदें होती हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब माँ जब काम कर रही है और स्कूल से अगर पैसा ना मिलता हो तो समझ सकते हैं कि वो परिवार कैसे चलता है। हम और आप अभी पैसे के लिए भागते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि पैसे न मिलने की वजह से कितनी मायूसी छाई रहती है। ये तो लगातार काम भी कर रहे हैं लोग, और काम करने के बावजूद इन्हें यही मिलता है कि आश्वासन मिलता है कि आज इस महीने उस महीने आपका तनख्वाह मिलेगा। आपका तनख्वाह ये भी कहा जाता है कि आपकी तो आपकी सैलरी बैंक से जुड़ गई है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन करने वाले जो अधिकारी अगर इस वीडियो को देखें तो ज़रूर इनकी मदद करें। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।